जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है। हालांकि ये डेरिवेशन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज हम इसका निगमन करने वाले हैं। इसका सोल्यूशन मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से 2A की अल्पतम या 2L की अल्पतम दूरी पर रखे हों, तो उनसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, जो कि 2L की अल्पतम दूरी पर क्या हुआ है, रखा हुआ है। यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे रखा हुआ है और डेरिवेशन में भी बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको निकालना है। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब कहाँ पे, निरक्षी स्थिति में विभव, तो इसके निरक्ष पे r दूरी पर हमने एक बिंदु P मान लिया है और इसी P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है? तो डेरिवेशन के हिसाब से हमने चित्र बना लिया। डेरिवेशन में बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विभव, तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया और निरक्ष पे एक बिंदु P हो गया और इसी P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप लिखेंगे अपने लैंग्वेज के हिसाब से कि माना चित्रानुसार एक द्विध्रुव। मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं पूरा का पूरा लैंग्वेज इस पे लिखूंगा नहीं, जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप लिखिएगा कि माना चित्रानुसार एक द्विध्रुव रखा गया है और उससे r दूरी पर उसके निरक्ष पर, उससे r दूरी पर उसके निरक्ष पर एक बिंदु P माना गया है और इसी P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है? तो इतनी सिंपल आपकी लैंग्वेज रहने वाली है। अब चलिए अब क्या करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके बीच की दूरी 2L है, लेकिन अगर जो आप इसे दो खंडों में तोड़ेंगे तो इतनी दूरी L और ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये दूरी जितनी रहेगी उतनी दूरी यह भी रहेगी, दोनों दूरी क्या है, समान है, ये भी L है और ये भी L है, ठीक है? अब यहां से ये दूरी भी आपको पता है R है, R है। और आपको पता होगा कि जब भी वैद्युत विभव निकालते हैं तो उसके लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो भी बराबर के क्यू बाई आर। कैसे सूत्र आया है, तो बिंदु आवेश के, मतलब कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है उसका सूत्र ये होता है। तो भी बराबर के क्यू बाई आर, यानी कि आपको पता है कि आवेश से इस पी बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी डेरिवेशन में, ठीक है? आवेश से इस पी बिंदु की दूरी हमें डेरिवेशन में चाहिए ही चाहिए, इसीलिए हम पहले इस आर को क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है? तो इसी आर दूरी को, यानी कि इसको मैं, इस दूरी को मैं क्या कर रहा हूँ, ज्ञात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है? जब ये समकोण त्रिभुज है तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस के प्रमेय से आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसको ए नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को इसको बी दे दीजिए और यहाँ पे सी दे दीजिए और इसको ओ दे दीजिए, ठीक है? इतना पॉइंट हमने दे दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका जो ए बी स्क्वायर है, जो आपका ए बी का स्क्वायर है किसके बराबर होगा, तो एओ के स्क्वायर, एओ के स्क्वायर प्लस पीओ के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से आप देख सकते हैं कि जो आपका ए बी जो कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर एओ का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी हिसाब से। अब आप ए बी, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर रखिए, ठीक है? और यहाँ पे देखिए एओ का स्क्वायर, एओ का, एओ कितना है, तो एओ का मान एल है, एओ दूरी कितनी है, तो ये वाली एल दूरी है, एओ के बीच की दूरी कितनी है, तो एल है, तो यहाँ पे एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस में पीओ की दूरी कितनी है, पी और ओ कितना है, आर, तो कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किसका मान मिल गया यहाँ पे, तो ए बी का, ए बी के स्क्वायर का मान आपको मिल गया, लेकिन किस में रहेगा, अब जैसे ये स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे अंडर रूट में चले जाएंगे, यानी इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितनी हो गई, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है? तो ए बी की दूरी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जो यहां आपकी ए बी की दूरी है, ए बी की दूरी है कितनी है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
ये आपकी ए बी की दूरी हो गई। और जैसा कि आपको पता है कि ए बी जितना है उतना ही ये पी सी है, यानी ये दोनों क्या है एक दूसरे में, एक दूसरे से क्या है दोनों बराबर हैं, यानी कि ए बी की दूरी भी इतनी होगी और पी सी की दूरी कितनी होगी, पी सी की भी दूरी कितनी होगी, इतनी ही होगी। ठीक है, तो ये आपकी पी सी की दूरी हो गई, यानी ये दोनों दूरियां क्या है आपस में समान है। चलिए अब आगे देखते हैं विभव के बारे में। अब देखिए इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पी बिंदु पर विभव उत्पन्न होगा और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पी बिंदु पर विभव उत्पन्न होगा। अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे आप प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा के क्यू। ठीक है, और आर का के यहाँ पर नहीं लिखेगा, आप लिखेगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू है तो क्यू हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा ये क्यू अपान में आर का मान कितना है, चाहे ये दूरी रखिए चाहे ये दूरी रखिए, कोई एक दूरी रखिए, तो यहाँ पे रख देंगे आप ए वाली ए बी की दूरी कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, आपकी दूरी कितनी हो जाएगी करड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी दूरी हो गई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपका भी प्लस क्यू के कारण हो गया, यानी भी प्लस क्यू क्यों लिखा हूं मैं यहाँ पे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, यानी कि भी प्लस क्यू चार्ज के कारण विभव का मान कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्योंकि क्यू है और दूरी कितनी होगी इनके बीच की, तो अभी हमने निकाला है ए बी के बीच की दूरी कितनी थी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में। अब देखिए अब यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, के कारण विभव, तो कितना हो जाएगा इसके कारण विभव, तो ए हो जाएगा भी माइनस क्यू, यानी आप बता रहे हैं कि विभव लिख रहे हैं किसके कारण, तो इस माइनस क्यू के कारण, भी माइनस क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्यू अपान आर, आर कितना है इसमें, आर पी सी की दूरी कितनी है, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में। लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस क्यू के कारण विभव है वो माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा, क्योंकि ये अदिश गुणन है, क्या है ये अदिश गुणन है, जब सदिश गुणन होता है तब हम माइनस या प्लस चिन्ह कोई भी हो हम प्लस ही लेते हैं, लेकिन जब अदिश गुणन होता है तो अदिश गुणन में हम चिन्ह के साथ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम माइनस क्यू लेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, इनका परिणामी क्या होगा, तो दोनों का परिणामी विभव क्या होगा, तो वी नेट आप बोल सकते हैं, वी नेट बराबर क्या होगा, यानी परिणामी विभव क्या होगा, वी प्लस क्यू प्लस क्या करेंगे वी माइनस क्यू, यानी कि इसके कारण विभव और इसके कारण विभव, यानी इस चार्ज के कारण विभव और इस चार्ज के कारण विभव दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी विभव का मान निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वी बराबर लिखेंगे, वी प्लस क्यू का मान कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का मान कितना है, तो करड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पे क्या है, प्लस है ये, और यहाँ पे प्लस कर लीजिए और इसका मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई करड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये आपका माइनस में है। ठीक है, आप एज इट इज बोल सकते हैं, इस माइनस को यहाँ पे कर सकते हैं, ये माइनस में है। अब देखिए ये प्लस में है माइनस में है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपस में उड़ा के, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब क्या बचा आपका, देखिए टोटल यही वैल्यू प्लस में है और यही वैल्यू माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, कट के क्या हो जाएंगे, तो जीरो, यहाँ से भी का मान आपका आ जाएगा जीरो, यानी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, कितना होता है, तो शून्य होता है।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। काफी आसान टॉपिक था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने क्या क्या किया। पहले मैंने एक द्विध्रुव बनाया, इस द्विध्रुव से r दूरी पर उसके निरक्ष पर एक बिंदु P लिया और इसी P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी थी। इसके कारण हमने पहले प्लस Q चार्ज के कारण विभव ज्ञात किया। तो विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q अपान r, यानी कि इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में आप KQ/R, ठीक है, इतना आप बोल सकते हैं। तो प्लस Q के कारण निकाला विभव और माइनस Q के कारण भी विभव निकाला और दोनों के विभव को जोड़ दिया ताकि परिणामी विभव का मान निकल जाए। हालांकि परिणामी विभव का मान आपका कितना आ गया, कट के शून्य आ गया। और एक प्रोसेस तो पाइथागोरस थ्योरम से की हुई थी, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पूरी की पूरी वीडियो की जानकारी समझ में आई होगी। बाय बाय।